ये आकाशवाणी है। भारत के प्रतापी और महान शासकों में से एक हैं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। आइए सुनते हैं महाराजा रणजीत सिंह के जीवन और संघर्ष पर आधारित खुशवंत सिंह का लिखा ये नाटक महाराजा रणजीत सिंह। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। बैठी उगते सूरज को देख रही हो, उधर फेरों के लिए लड़की का इंतजार हो रहा है। मुझे नया चढ़ रहा सूरज देख लेने दो गुजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश? पर ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, आंसू तो मेरे बावले, आंसू हर विधवा का सरमाया होते हैं। आप ही आप इन मोतियों को पिरोते रहे। सच गुजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश तो शायद मैं तब भी नहीं हुई जब सालू में लिपटी मैं खुद फेरों का इंतजार कर रही थी। तब भी ठीक यही धुन गूंज रही थी। गुरुवाणी की बड़ी महिमा है रानी, भगवान सबके काज सवारता है। भगवान? जो भगवान किसी का सुहाग लूट सकता है, जो भगवान किसी के अरमान छीन सकता है, उस भगवान के सामने कोई क्या हाथ फैलाए। तौबा तौबा बीबी, यूं ना कहो, आज तुम्हारी लड़की के फेरे हैं। बीबी यूं मत कहो। फेरे किसके साथ? सरदार रणजीत सिंह के साथ, राजा महासिंह शुक्रचकिये के बेटे के साथ। जिसने मेरे सरताज की हत्या की, इस बात पर उलझ करके जम्मू को कौन लूटेगा? डाका डालने से पहले डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। बीबी, ये समय रोने का है। कैसे छल छल तुम्हारे आंसू बह रहे हैं। मैं दुल्हन को तैयार कराई हूं, उधर हमारा इंतजार हो रहा है। गुड़ियों से खेलती बच्ची को सजा के आई है। बीबी, अब तुम रोती हो, पहले तो खुद ही तुम उतावली हो रही थी। मैं रो कब रही हूं? मैं तो खुश हूँ गुजरी, आज जैसी खुश तो मैं कभी नहीं हुई। चलो बीबी चले, उधर सब हमारी राह देख रहे हैं। तुम्हें दूल्हा कैसा लगा है? घोड़े पर चढ़ा यूं लगता था जैसे कोई वीर योद्धा हो। हृष्ट पुष्ट फौला जैसा सीना, कहर का जोबन उतरा है हमारे दूल्हे पर। क्यों झूठ बोलती हो गुजरी? सारी उम्र तू मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलती रहेगी? 15 साल का छोकरा, एक आंख फूटी हुई, मुंह माता के दागों से बिंधा हुआ। ये मुझे क्या मालूम बीबी, मुंह तो सेरों से ढका हुआ था। तो भी वो शुक्र चकिया है। जब कन्हैये और शुक्र चकिये मिल गए, सारे देश में उथल पुथल मच जाएगी। पहले तुम्हें रामगढ़ियों की खबर लूंगी। शुक्र चकियों से मिलकर मेरे सरताज पर टूट पड़े। मैं मरी बीबी जब ही तुमने शुक्रचकियों से रिश्ता गाठा ताकि रामगढ़ियों से बदला ले सको। कुछ कुछ अब तुम मुझे समझ रही हो, उम्र की कच्ची हो, पर कुछ कुछ अब तुम मुझे समझने लगी हो। पर बीबी ये बताओ, तुमने अपनी बेटी का भी कभी सोचा है? बड़ी होकर जब इसे पता चलेगा कि इसके बाप को इसके पति के बाप ने मारा, ये कभी उसे प्यार कर सकेगी? प्यार? प्यार से क्या मतलब? इसका काम तो उसके लिए जानशीन पैदा करना है। हाय बीबी, कभी कभी तुम कैसी बातें करती हो। चले चले, नीचे हमारा इंतजार हो रहा है। गुजरी, आज तुम बस कन्हैयों की रानी सदा कौर की सहेली नहीं, आज तुम शुक्र चकियों की रानी सदा कौर की भी सहेली हो। औरत जात की ताकत को तुमने औरत होकर भी नहीं पहचाना। जिस राज्य को लोग लहू दे दे कर बनाते हैं, उस राज्य की औरत 4 फेरे लेकर मालिक बन जाती है। मेरी बच्ची के बाप की जिसके बाप ने हत्या की, उसे 100 उम्र मेरी बच्ची उंगलियों पर नचाएगी। कोई जीत कर हारते हैं, कोई हार कर जीत जाते हैं।
खालसा जी, ये 10वें गुरु की वाणी थी, गुरु गोविंद सिंह की वाणी, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया लेकिन गैरत का सांस नहीं छोड़ा। आज फिर हमारा देश संकट में है, आज फिर बैरियों की मैली आंखें हमारी धरती पर लगी हुई हैं। पिछले 50 सालों से पंजाब पर हमले हो रहे हैं, हमले हमेशा होते रहे हैं। आज से 50 साल पहले हम अब्दाली के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े और उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन तब हमारा सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया था। आज कौन है जो ये बोझ उठा सके? वक्त अपना नेता आप पैदा करता है साहब सिंह जी। हमें नहीं किसी औरत के पीछे चलना। पहले रणजीत सिंह को बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो क्या कह रहे थे रणजीत? आज हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, पूरब में फिरंगी बैठा है, उधर संसार चंद हमारा कोई हिमायती नहीं। शाहजमान को कसूर के निजामुद्दीन की मदद है। आज से 5 साल पहले शाहजमान आया, उसने बाबा नानक की नगरी पंजा साहब पर कब्जा किया, हमसे रोहतास का किला छीना। तब भी हम यूं सहमे सहमे से थे, लेकिन शुक्रचकियों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। 2 साल हुए वो फिर आया, 30,000 सिपाही उसके पास थे, मुल्तान और कसूर की उसको सहायता थी, क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अवध और मैसूर उसकी पीठ पर थे, क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। पटियाले वालों की अंदर ही अंदर उसे शह थी, क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये गलत है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी। हमले की खबर आई और लोग भागने लगे, कर ले लेकर खाने वाले मिसलदार सबसे पहले गायब हुए। मिसल वालों ने मुकाबला किया लेकिन उनकी दाल नहीं गली। मेरे पास केवल 50,000 सिपाही थे। इसी अमृतसर की पवित्र धरती पर सर्वत्र खालसा का सम्मेलन हुआ। तब भी कई कहते थे हमें पहाड़ों में जा छुपना चाहिए, लेकिन मेरी सास नहीं मानी। अभी उसकी बेटी का गौना भी नहीं हुआ था और उसने मेरे सिर पर कफन बांधकर मुझे लड़ने के लिए भेज दिया। अब शाहजमान फिर आया है, अपने सिपाहियों को यह लालच देकर कि लूट का माल लूटने वाले का होगा। वो हम में फूट डाल रहा है, हिंदुओं और सिखों में, सिखों और मुसलमानों में। मैं पूछता हूं, यह हर रोज की मौत से एक बार मरना अच्छा नहीं क्या? विदेशी हमलावर सबका साझा बैरी है। हम में से चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो और चाहे कोई मुसलमान हो। सच कहता है रणजीत सिंह, भाई आखिर भाई होता है, भाई मारकर भी छाया में डालता है। हम एक जान होकर लड़ेंगे, हम किसी को इस धरती पर पांव नहीं धरने देंगे। यह धरती फरीद शकरगंज की धरती है, यह धरती बाबा नानक की धरती है। हम इस धरती की ओर किसी को आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। हम लड़ेंगे। अच्छा भाइयों, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लड़ेंगे, सर्वत खालसा का यही फैसला है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कल शाम मैं मुसम्मम बुर्ज के बाहर जाकर उसे ललकारूंगा जिसने माँ का दूध पिया है मेरे साथ आकर दो दो हाथ कर ले। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं मरी रानी, तुमने तो हद ही कर दी। क्यों? तुमने अपने दामाद को आग के शोलों में झोंक दिया। क्या मतलब? यूं किसी ने अपना बदला नहीं लिया होगा। इसमें बदले की क्या बात है? उसने नकायन के साथ ब्याह कर लिया, तुम्हारी बेटी पर सौत ला बिठाई और तुम यूं शुक्र चकियों का बीज नष्ट कर दोगी? सौत है तो क्या, मेरी बेटी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और फिर नकायन के साथ नकई भी तो हमारे हो गए। मेरे रणजीत की बाहें तगड़ी हो रही हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा रानी। अगर दामाद का तुम्हें इतना ही दर्द है तो तुम उसे एक गढ़े से दूसरी खाई की ओर क्यों थकेले चली जा रही हो? आज रणजीत सिंह की सारे पंजाब में थाक है। मैं तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। मैं तो उसे लाहौर के तख्त पर बिठा कर दम लूंगी। तुम्हारी बेटी ने रो रो कर आंखें सुजा ली है, उधर सौत आई, इधर ये बटाला चलती। वो तो दीवानी है, क्या वो सोचती है ये रणजीत नकायन का होकर रह जाएगा? बीबी तुम्हारी तुम ही जानो। आज रणजीत मेरी मुट्ठी में है,
जिसके बाप ने मेरे सरताज की हत्या की, आज वो मेरी इस मुट्ठी में है। ये बताओ बीबी, तुम अपने दामाद की भलाई चाहते हो या बुराई? तुम तो मेरी बच्ची हो गुजरी, तुम औरत जात को नहीं पहचानती। कभी मुझे लगता है तुम उसके लिए जान दे सकती हो, कभी मुझे लगता है तुम उसे एक नजर देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे मुंह की ओर ताकती रह जाती हूँ। तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी तुझे बहुत कुछ जानना है। बीबी तुम्हारी तुम ही जानो। हाँ सच ये बताओ, तुम कल शाम को कहाँ थी जब रिमझिम फुहार पड़ रही थी? कहीं भी तो नहीं, यहीं कहीं होंगी। मुझे लगा जैसे बगीचे की ओर से तुम्हारे गाने की आवाज आ रही हो। हाँ बीबी मैं गा रही थी। और तुझे मिलने वो आया था? हाँ बीबी। मर्द का कभी भरोसा न करना, मर्द की मोहब्बत खोटी। हाय बीबी यूं मत कहो। मैं उसको लाहौर ले जाऊंगी और शहर की दीवार पर पहला गोला वो दागेगा। मुझे नहीं मर्द का बंसी बजाना भाता, मर्द का काम है तलवार चलाना। ना बीबी तुम ये जुल्म ना करना। या शहर पर पहला गोला वो दागेगा या शहर की दीवार के नीचे खाई खोद कर बारूद भरेगा और फिर फलीता अपने हाथ से लगाएगा। रणजीत सिंह की फौजें अंदर आ सके। रणजीत सिंह और रानी सदाकौर की फौजें? रणजीत सिंह लाहौरी दरवाजे की तरफ से आ रहा है और रानी सदाकौर दिल्ली दरवाजे की तरफ। एक जगह दीवार उड़ी और इन्होंने शहर उनके हवाले कर दिया। इन्होंने तो खुद उन्हें बुलाया है, हमारे सरदारों ने भी तो हद कर रखी थी। बहु बेटियों के लिए अपनी लाज बचाना मुश्किल था, दारू पीकर बदमस्त हाथियों की तरह गली गली भरते थे। पहले कुछ लोग कहते थे उसूर से निजामुद्दीन को बुलाया जाए, फिर सब रणजीत सिंह के लिए सहमत हो गए, हिंदू भी सिख भी और मुसलमान भी। कुछ दिन हुए रणजीत सिंह का एलची अब्दुल रहमान इसीलिए तो आया था। 25,000 फौज ने शहर को घेर लिया और हमारे सरदारों को खबर तक नहीं। चप्पे चप्पे पर इन्होंने तोपें गाड़ ली और ये रात भर दारू पीते रहे, नाच देखते रहे। मोहर सिंह और साहब सिंह तो भाग गए। जय सिंह ने किले में अपने आप को बंद कर लिया है। जय सिंह ने किले में अपने आप को बंद कर लिया। जय सिंह ने किले में अपने आप को बंद कर लिया। जय सिंह ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। किले की दीवार के टुकड़े उड़ा दिए जाए। काहे को रणजीत, तुम हौसला करो, किले पर गोलाबारी हुई तो शहर नष्ट हो जाएगा। गुरु रामदास की नगरी, ये शहर तो हमारा अपना है, शहर वालों ने तो हमें खुद बुलाया है। ऐलान किया जाए कि कोई सिपाही शहर को लूटे नहीं। लाहौर शहर के लोग अपने अपने धंधे जारी रखें, गुरुद्वारों मस्जिदों और मंदिरों में प्रार्थनाएं की जाएं। आज हमारा एक सपना पूरा हुआ। लाहौर के बाद अमृतसर और फिर जम्मू और कश्मीर, पहाड़ी राजपूतों की रियासतें, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, मनकेर, जिस जिस पर लाहौर का अधिकार रहा है उन सबको खिराज देना होगा महाराज रणजीत सिंह को। सरदार चेत सिंह आ रहे हैं। सरदार चेत सिंह आ रहे हैं। सरदार चेत सिंह आ रहे हैं। मैंने कहा था ना उसे अभी होश आ जाएगा। आइए चेत सिंह जी आइए, आपने तो किले के दरवाजे ही बंद कर लिए। हमारी सास का दिल जरा कमजोर है, कहने लगी इतने सुंदर किवार काहे को तोड़े। किला आपसे कोई अच्छा है, आप सरमाथे पर आए। कुर्बान जाए सरदार चेत सिंह के, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, यूं बेचारी प्रजा को काहे को कष्ट दिया जाए। किला सरदार साहब की भेंट है। सरदार चेत सिंह को उम्र भर के लिए वजीफा दिया जाए, नगाड़े पर चोट लगाई जाए, दमाने बजाए जाए, महाराज रणजीत सिंह लाहौर के किले में प्रवेश कर रहे हैं।
वाह वाह गुजरी, आज तूने बहुत खुश किया है मुझे। बीबी, ये मेरा आखिरी नाच था, अब मैं यहाँ और नहीं नाचूंगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अब लाहौर चली जाऊंगी। तू कैसे जा सकती है? मैंने तो उसे बुला भी भेजा है। गुजरी, मेहताब माँ बनने वाली है, तू कैसे जा सकती है? सच बीबी, तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर। मैंने तो सरदार को खबर भी भेज दी है। अब जब मेहताब लाहौर जाएगी मैं भी उसके साथ जाऊंगी। कभी नहीं, जब तक वो मेरी बेटी को उसका हक नहीं देता, ना मेहताब लाहौर जाएगी ना और कोई। बीबी, मेरी बेटी को पटरानी बनाया जाए, उसकी औलाद तख्त की वारिस मानी जाए। नकायन का बेटा खड़क सिंह बेशक बड़ा सही, मेहताब कौर का बच्चा बड़ी रानी का बच्चा होगा। रानियों का क्या है, मोरा कोठे वाली भी तो रानी बनी हुई है। सरकार पर नकायन ने टोना किया हुआ है। ऐसा कृतज्ञ मैंने कोई नहीं देखा। लाहौर मैंने उसे लेकर दिया, अमृतसर मैंने उसे दिलवाया, इससे कौन इनकार कर सकता है। आलती पालती मारकर चौकी पर बैठने वाले को मैंने सिंहासन पर जा बिठाया। बीबी, वो तुम्हारा दामाद है, तुमने किसी पर एहसान थोड़े किया है। बिल्ली ने शेर को पढ़ाया, शेर बिल्ली को खाने आया। उसे मालूम नहीं सतलुज के पार फिरंगी बैठा है, और सदाकौर की जागीर उस ओर भी है। अभी कल कप्तान मैथ्यूस मुझसे मिलकर गया है। मैं मरी बीबी, तुम अपने दामाद के खिलाफ फिरंगी को भड़काओगी? कभी यूं भी हुआ है? मैं अपने वंश की औलाद को लाहौर के तख्त पर देखना चाहती हूँ। बीबी, अगर तुम्हारा दामाद ही ना रहा, उसकी औलाद कैसे राज करेगी? फिर मेरे पास भागा हुआ आएगा। जब फिरंगी ने आंख दिखाई, फिर मेरे पास भागा हुआ आएगा। वो तो इसके लहू के प्यासे हैं, ऑक्टर लोनी क्या और मेटकाफ क्या। ये मेटकाफ के डेरे का बिगुल है, उसके आने का समय भी हो गया और तुम लोग कुछ फैसला नहीं कर पाए। कैसा है मेरा ये दरबार? सरकार, आज रानी सदाकौर यहाँ होती तो उनका मशवरा। रानी सदाकौर, उसका ही तो ये सब कुछ किया रहा है। सरकार बजा फरमाते हो। फकीर अजीजुद्दीन, ये महकमा आपका है, आपने क्या सोचा है, फिरंगी के साथ हमें लड़ना चाहिए या नहीं? सरकार, मेरी राय तो ये है कि अंग्रेज के साथ जंग हमारे हक में नहीं, दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है और हमारी अभी तैयारी नहीं। तैयारी क्यों नहीं? कब से मैं कह रहा हूं हमारी फौज की फिरंगियों की तरह कवायद हो। और फिर हमें अभी मुल्तान को सर करना है, अफगानों से निपटना है। यही तो अंग्रेज चाहता है कि हम पश्चिम की ओर लगे रहें और जब वो चाहे हम पर टूट पड़े। तो भी सरकार, तैयारी के बगैर इस तरह के दुश्मन से टक्कर लेना मेरी समझ में अकलमंदी नहीं। ध्यान सिंह, आपका क्या विचार है? सरकार, मेरी राय में फिरंगी के साथ हमारी टक्कर होकर रहेगी, चाहे आज हो चाहे कल, और फिर इस दिन को टालना क्या। फिरंगी ने हमसे पूछे बिना काबुल अपना एलजी भेजा है, ये जानते हुए कि अफगानों से हमारा पुराना बैर है। फिरंगी सिंध पर डोरे डाल रहा है और सिंध को हम अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए चाहते हैं। फिरंगी मालवा के सरदारों को फुसला रहा है। सरकार ने पिछले दिनों दो बार मालवा का दौरा किया है। सतलुज के पार के पंजाबी सरदार हमें खिराज देते हैं। ठीक है, ठीक है। दरबार खालसा के खास मेहमान मेहताब साहब बहादुर पधारते हैं। आइए, तशरीफ लाइए मेहताब साहब, यहाँ हमारे पास बैठिए। सरकार की तबीयत तो ठीक है? सब खैरियत है। आप सुनाइए। लाहौर का जाड़ा बुरा, हमारे देश में भी सर्दी होती है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर ठंड की जैसे आदत ही नहीं रही। साहब बहादुर, आज मैंने सारे दरबार को बुलाया है ताकि बात खुलकर हो जाए। हम भी यही चाहते हैं। हमारी ओर से फकीर अजीजुद्दीन और दीवान प्रभुदयाल मामला पेश करेंगे। हाँ फकीर साहब, तो बात की जाए। साहब बहादुर, इसमें कोई शक नहीं कि जब से अंग्रेज सरकार का दिल्ली पर कब्जा हुआ है, जमुना के इस पार के इलाके से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। मराठों से जंग के बाद लेख लाट साहब ने अपने सारे सिपाही पंजाब से निकाल लिए थे, और फिर जब पटियाले के राजा और रानी में झगड़ा हुआ, आपकी सरकार ने उस मामले में दखल नहीं दिया। सरदार रणजीत सिंह ने बीच बचाव किया,
सतलुज के पार ढेर सा इलाका दीवान महकुम चंद ने खालसा राज के साथ मिलाया हुआ है। न ये मैंने कभी सुना है न अंग्रेज सरकार ने कि मालवा के राजा महाराज रणजीत सिंह को खराज देते हैं। क्या ये सच नहीं मेहताब साहब कि जब सिंह साहब को हरिद्वार जाना था तो आपको हुक्म मिला था कि जमुना के किनारे पर उनका स्वागत किया जाए? तो फिर क्या? क्योंकि जमुना को अंग्रेज अपनी सरहद मानता था। क्या ये सच नहीं कि आज से 4 साल पहले जब लेक लाट साहब होलकर का पीछा करते पूर्वी पंजाब में आ गए थे तो महाराज ने खुद लिखा था कि अंग्रेज सरकार और सरकार खालसा के दरमियान सतलुज को सरहद माना जाए? लेकिन इसके बाद हमारे महाराज 2 बार उस इलाके का दौरा कर चुके हैं, लोगों ने फूलों और मोहरों की उन पर वर्षा की है। मैंने कहा ना, हमें इसका कुछ पता नहीं। असल बात यह है कि नेपोलियन की आंख हिंदुस्तान पर है, इसीलिए अंग्रेज सरकार सतलुज पर अपना मोर्चा कायम करना चाहती है। सतलुज पर ही क्यों, जमुना पर क्यों नहीं? इसका फैसला हमें करना है, आपको नहीं। फिरंगी ने खालसा को जंग के मैदान में नहीं देखा? और खालसा को भी अंग्रेज सिपाही के हाथ नहीं लगे। ध्यान सिंह, जरा सब्र से काम लो। महाराज आप भी तो कुछ फरमाएं। हाँ हाँ, ये बताइए कि अंग्रेज फौज नेपोलियन से लड़ने के लिए कहां तक जा सकती है? अगर जरूरत हुई तो काबुल से भी परे। क्या अंग्रेज फौज लड़ने के लिए तैयार है? हमारी फौज हर वक्त तैयार रहती है। फ्रांस का हमला इस ओर कब तक होगा? दुश्मन कब हमला करता है ये किसे मालूम। तो फिर जल्दी क्या है, अभी वक्त है, हम इस मामले पर और सोच सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी सरकार। अभी वक्त है। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत। हाँ हाँ, आप आराम करें। सरकार, फिरंगी की नीयत साफ नहीं। उधर आक्टर लोनी मालवा का दौरा कर रहा है। मेटकॉफ किसी तरह राह पर नहीं आ रहा। बगैर दोस्ती के और कोई चारा नहीं। पर दोस्ती किस कीमत पर? फिरंगी से महाराज की दोस्ती है। दोस्ती किस कीमत पर? दोस्ती दोस्ती होती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो जो कुछ है मेरे कारण है। मेरे बिना वो तिनके सा खोखला हो जाएगा, और वही आज हो रहा है। बीबी तुम भी तो कितने दिनों से उधर नहीं गई। दामाद आखिर दामाद होता है। मैं भी तो सदाकौर। तुमने मेहताब के बेटों का भी कभी सोचा है? लोग पहले ही क्या क्या उड़ा रहे हैं। मेहताब के बेटे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए। जुग जुग जिए हमारे कुंवर। बीबी तुम यूं क्यों कहती हो? खड़क सिंह को राज तिलक दिया गया ताकि राज सिंहासन पर उसका हक पक्का हो जाए। बीबी अब तुम समझी मैं उसके ब्याह में क्यों नहीं शामिल हुई थी। बीबी जब महाराज ने भरे दरबार में से खड़क सिंह को निकाल दिया था भैया राम सिंह की करतूत के कारण, मैंने तुम्हें कहा था लाहौर जाओ, वो था समय, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। मैंने इन हाथों से उसे बनाया है, मैं इन आंखों से उसे खत्म होता देखू। बीबी यूं ना कहो। रणजीत सिंह जिसका अभिमान आसमान को छूता था, आज फिरंगी से आंख नहीं मिलाता। तुम भूल रही हो बीबी, अभी कल की बात है। उसने कांगड़ा का किला फतेह किया है। चंबा, नूरपुर, कुल्लू और दातारपुर के राजाओं ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मुर्दों को मारना कोई बहादुरी नहीं गुजरी। और अटक के किले पर कब्जा करना कोई मामूली बात है। मैं उस दिन लाहौर में थी जब खबर आई। महाराज सो रहे थे, खबर सुनकर सारा महल जाग उठा, तोपें छोड़ी जाने लगी और सारा शहर उस रात नाचता रहा, गाता रहा। अगली सुबह महाराज की सवारी निकली, लोग उन पर न्यौछावर हुए जा रहे थे। पर तुम उसका कश्मीर से खाली हाथ लौटाना भूल रही हो। अगर मैं वहां होती तो अजीम खां का छक्के छुड़ा देती। क्या मुंह लेकर वो बाहर निकलता है। मैं पूछती हूँ सम्मन बुर्ज उसे काटने को नहीं दौड़ता। बीबी तुम यूं रो क्यों रही हो? मैंने उसे अपने बेटों की तरह पाला है गुजरी। उसकी हार मेरी हार है, उसका अपमान मेरा अपमान है। उनका क्या है? एक दिन बाजार से गुजरते महाराज को एक पत्थर आन लगा। पत्थर एक लड़के ने मारा था, उसे महाराज के सामने पेश किया गया। कहने लगा, पत्थर मैंने बेरी को मारा था बेर गिराने के लिए। और महाराज हंस दिए, अगर पत्थर बेरी को लगता तो इसे बेर मिलते। पत्थर बादशाह को लगा है, इससे मोहरें दी जाएं। कोई बात भी हुई, यूं राज करते हैं। शाह शुजा से उसने कोहिनूर छीना,
सुनकर मेरी छाती में ठंडक पड़ी। मर्दों वाली बात थी। और अब वो कभी किसी देवी देवता के द्वार पर जाता है, कभी किसी दरगाह पर माथा रगड़ता है, 4 घंटे एक शिवालय में हाथ बांधे खड़ा रहा। एक महाराजा को ये सब शोभा देता है क्या? बीबी, अब तुम ये विनती करो मुल्तान में उसकी जीत हो। अगर तुम खुद उसके साथ नहीं जा रही तो अपनी आशीष ही उसके साथ भेजो। तुम उसकी माँ की जगह हो। सतलुज और रावी की सब कश्तियां सरकार ने अपने अधिकार में ले ली हैं। लाहौर से जंग के मैदान तक कदम कदम पर चौकियां बिठा दी गई हैं। मिस्र दीवान चंद की कमान में 20,000 जवान लड़ रहे हैं। तोपखाना इलाही बख्श की कमान में है। घमासान की लड़ाई हो रही है। तोप का एक एक गोला निशाने पर बैठ रहा है, लेकिन किले की दीवार वैसी की वैसी खड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर महाराज के संदेश पर संदेश चले आ रहे हैं, वो भी सच्चे थे। मैदान में लड़ने के लिए उतरे हुए गाजियों का हमने एक दिन में सफाया कर दिया। 2 हफ्ते लगे शहर की दीवार उड़ाने में, अब ये किला हमें लेकर बैठ गया है। उधर बरसात के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। 2-4 दिन की बारिश और किले के गिर्द की खाई पानी से भर जाएगी। लाखों रुपए उठ गए, हजारों जाने जा चुके। अब कोई और ढंग सोचना होगा। शायद कोई दूत आ रहा है। बंदगी हुजूर। क्यों, सरकार का फरमान लाए हो? किला आज की रात ले लिया जाए। बस एक पंक्ति, किला आज की रात ले लिया जाए। किला आज की रात ले लिया जाए। किला आज की रात ले लिया जाए। तो कपैया टूट गया है। अब क्या हो रहा? उधर सरकार का फरमान है, किला आज की रात ले लिया जाए। तोप का पहिया टूट गया। तोप का पहिया टूट गया। हम तो बेकार होकर रह गए। तोप का पहिया टूट गया तो क्या, मेरा कंधा हाजिर है। तोप को बीड़ा चढ़ाया जा। तुम दीवाने हो गए हो जवान। उधर तोप चली, इधर तुम कुचल कर रह जाओगे। जो होना है सो हो के रहेगा। जो होना है सो हो के रहेगा। अगर इसका नहीं तो मेरा कंधा हाजिर है। नहीं तो मेरा कंधा हाजिर है। किला आज की रात ले लिया जा। तो दाग दो। वही बात हुई। मैं ना कहता था तोप चली और ये कुचल के रह जाएगा। तो फिर क्या, गोला तो छूट गया, अब मेरा कंधा हाजिर है। इसके बाद मेरा कंधा हाजिर है। किला आज की रात ले लिया जाए। इसके बाद मेरा कंधा हाजिर है। किला आज की रात ले लिया जाए। इसके बाद मेरा कंधा हाजिर है। किला आज की रात ले लिया जाए। नवाब मुजफ्फर का किसी तरह काबू नहीं आ रहा। उसकी मर्जी लड़कर मरने की है। तो फिर उसे निराश नहीं करना चाहिए। उधर खिजरी दरवाजे की दीवार उड़ी, इधर हम किले पर टूट पड़ेंगे। महाराजा रणजीत सिंह। अभी आप खुशवंत सिंह के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे प्रसिद्ध लेखक करतार सिंह दुग्गल। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।